गाजा में इसराइल और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। एक तरफ इजरायली एयरफोर्स जमीन, आसमान और समुद्र से गाजा में लगातार आग बरसा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके गाजा में खंडर पड़ी इमारतों में छिपकर आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। और अब इसी कड़ी में अल कासिम ब्रिगेड ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने गाजा के आसमान में मुजाहिदीन ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली एयरक्राफ्टों को मिसाइलों से तबाह करने का दावा किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके लगातार इजरायली एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन को SAM-7 मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। हालांकि मिसाइल दागने के बाद वो अपने टारगेट पर लगी या नहीं, इस बात की पुष्टि इस वीडियो में नहीं हुई है। इसके अलावा पश्चिमी जबालिया में अलकुद्स ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजरायली सेना को घेरा हुआ है। यहां पर अलकुद्स और मुजाहिदीन ब्रिगेड के लड़ाके मशीन गन से इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दूर खड़े इजरायली सैन्य वाहन पर अलकुद्स के लड़ाके घात लगाकर हमला करते हैं। इन लड़ाकों के हाथों में मशीन गन होती है, जिससे दनादन फायरिंग हो रही है। इस वीडियो के अलावा खान यूनिस शहर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अलकुद्स के लड़ाके एक के बाद एक इजरायली टैंकों और सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। आगे इस वीडियो में इजरायल के 3 सैनिक दूर खड़े दिख रहे हैं, जिन पर अलकुद्स के लड़ाके हमले कर रहे हैं। अलकुद्स का दावा है कि उसने ये हमले इजरायली सेना की सप्लाई लाइन और पोजीशंस पर किए हैं। अलकुद्स ब्रिगेड का दावा है कि इन हमलों में उसने इजरायली सेना के 15 अधिकारियों और सैनिकों को निशाना बनाया है, जो एक घर में पनाह लिए हुए थे। अलकुद्स का कहना है कि उसने ये हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के हाउज इलाके में किया है और उसका हमला एकदम सटीक रहा, यहाँ तक कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के चीखने चिल्लाने की आवाजें तक सुनी है।